हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्ट फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं राफ्ट फाउंडेशन के बारे में और एज ए साइट इंजीनियर किन किन चीज़ों के ध्यान में रखना पड़ता है राफ्ट फाउंडेशन में, ये चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सो राफ्ट फाउंडेशन का जो स्टार्टअप वर्क रहता है उसमें PCC के ऊपर सर्वेयर अपनी मार्किंग देते हैं, फुटिंग एंड कॉलम दोनों की भी मार्किंग होती है सर्वेयर के थ्रू, जिससे आसानी हो जाती है शटरिंग लगाने में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नील है ये सर्वेयर ने अपना मार्किंग दिया हुआ है फाउंडेशन का आउटर फेस। यहाँ से हमें अपना कवर लेके स्टील रखना है। सो आगे बढ़ते हैं। जिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट मिस टू हिट लाइक बटन। ओके, सो सर्वेयर की मार्किंग के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अपना शटर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कॉलम की यहाँ पे सर्वेयर ने मार्किंग दी हुई है। इन पॉइंट्स से हमें आसानी होती है कॉलम्स फिक्सिंग के अंदर। और जब स्टील की बात आएगी तो पहले हमें स्टील का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, एज़ पर द शेड्यूल किस डाया की बार्स इसने मेन रेनफोर्समेंट में दी है और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डाया की बार इसने प्रोवाइड करने के लिए बताया है। ओके, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एल प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो एल रहता है मिनिमम 300 mm का एल हमें प्रोवाइड करना रहता है, या फिर जो क्लियर कवर है 75 mm हमारे यहाँ पे ड्राइंग में बताया गया है कि क्लियर कवर चाहिए, तो टॉप एंड बॉटम 75 mm हम लोग माइनस कर देंगे टोटल डेप्थ ऑफ द फुटिंग से, तो हमें इस एल की लेंथ मिल जाएगी। ओके, अभी यहाँ पर हम मेन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। मेन रेनफोर्समेंट जो रहती है अपनी बॉटम लेयर में आती है। जो बॉटम लेयर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट नीचे में आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला मेन रेनफोर्समेंट है और ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। सो मेन रेनफोर्समेंट ऑलवेज जो है शॉर्टर स्पैन में रहती है और लॉन्गर स्पैन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये अपना लॉन्गर स्पैन है, ओके, और ये जो है शॉर्टर स्पैन है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे अपना जो मेन रेनफोर्समेंट है इसको शॉर्टर स्पैन बॉटम में प्रोवाइड किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉन्गर स्पैन है उसको टॉप में प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, और एक्चुअली जो है एज पर द स्टैंडर्ड्स फुटिंग के अंदर कोई लैपिंग प्रोवाइड की नहीं जाती, लेकिन इसका जो एरिया आप लोग देख रहे हैं लेंथ बहुत ज़्यादा है और अपने पास जो डाया आता लेंथ आती है 12 मीटर का जो है स्टैंडर्ड स्टील की आती है, लेकिन 12 मीटर में हमें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें लैप देना ही पड़ेगा। लेकिन लैप किस तरह देंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमें अल्टरनेट लैप देना होगा। यहाँ पे लैप की लेंथ रहेगी 50D, यहाँ पे हमने एक लैप प्रोवाइड किया है, फिर नेक्स्ट बार में जो है हम लोग लैप दूसरी जगह प्रोवाइड कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट में इसी लाइन में आएगा, इसी तरह अल्टरनेट बार्स में हम लोग जो है लैपिंग प्रोवाइड कर देंगे। ओके, फुटिंग में जो क्लियर कवर हमें दिया गया है 75 mm का कवर ब्लॉक हमें प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे हमने कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है बॉटम लेयर के लिए 75, और जो कवर ब्लॉक रहते हैं हमें 1 मीटर के इंटरवल्स पे देना पड़ेगा, एवरी 1 मीटर इंटरवल हमें कवर ब्लॉक देना रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से हमने कवर ब्लॉक्स प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, और मैं आपको बता रहा था कि बॉटम में जो है मेन रेनफोर्समेंट हम लोग बॉटम में देते हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आती है, लेकिन जब टॉप मैट आएगा टॉप मैट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन को फर्स्ट बॉटम में डालना पड़ेगा और मेन रेनफोर्समेंट उसके ऊपर से आती है। ओके, जब सेकंड मैट डालेंगे हम लोग तो हमें स्पेसिंग को स्टील को जो है जॉइंट नहीं होने के लिए जो स्पेसिंग को मेंटेन करना है इसके लिए चेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो चेयर का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से चेयर प्रोवाइड की जाती है। ओके, ये चेयर्स हैं जो बॉटम मैट और टॉप मैट को सेपरेट रखती हैं। ओके, ये जो मैट रहेगी हमें मिनिमम इसका जो एल रहेगा 3 बार्स को ये कवर करना चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, मिनिमम 3 को कवर करने से भी 50 सेंटी बड़ा रहना चाहिए। ओके, और एवरी 1 मीटर इंटरवल्स पे हमें चेयर्स भी प्रोवाइड करना रहता है, या फिर पर मीटर स्क्वायर के अंदर एक एक आना चाहिए पर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉलम की जो मार्किंग की है सर्वेयर ने,
यहाँ पे सर्वेयर ने अपनी मार्किंग दी हुई है, तो अपनी मार्किंग से हम लोग अपना कवर ले लेंगे, कवर लेके स्टील को अंदर प्लेस कर देंगे। तो कॉलम में जब चेकिंग होगी हमें देखना होता है कि ये एल जो है मिनिमम 300 mm का एल रहना चाहिए। ओके, उसके बाद में हमें एज़ पर शेड्यूल कितनी डया की कितनी बारें दी हुई है, जैसे कि 20 मिली की अगर से बार दी है तो कितनी नंबर ऑफ बार्स दिया हुआ है वो हमें कॉन्फर्म करना रहता है। उसके बाद में स्टीरअप्स जो है, स्टीरअप्स का जो डया है वो चेक करना है, कितने लेग स्टीरअप्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ स्टीरअप्स का लेग कैसे चेक किया जाता है। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 लेग रिंग है। ओके, जब हम स्टीरअप प्रोवाइड कर देंगे तो एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा ऊपर में अपने को एक मास्टर रिंग देना ज़रूरी है, जिससे स्टील जो है भागेगा नहीं कहीं पे भी, वो अपनी प्लेस में रहेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देखिए सेकेंड मैट यहाँ पे बांधा जा रहा है, तो सेकेंड मैट में जो लॉन्गर स्पैन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रहेगी वो फर्स्ट आएगी बॉटम में, ये आप देख सकते हैं जिस तरह इन्होंने बॉटम में दे दिया है। उसके बाद में जो शॉर्टर स्पैन है, ये वाला जो है अपना शॉर्टर स्पैन है, तो शॉर्टर स्पैन में जो है मेन रेनफोर्समेंट टॉप में आएगा। ओके, और यहाँ पे पेडेस्टल्स भी दिया हुआ है, पेडेस्टल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, यहाँ से तो मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, तो मेरे पास कटिंग है बाहर में, वो कटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेडेस्टल्स की स्टील यहाँ पे बांधी जा रही है, किस तरह से पेडेस्टल बांधा जाता है। ओके, पेडेस्टल्स में जो एल आएगा बॉटम में वो आपको रखना है 50D का हमने एल रखा हुआ है, और इसकी जो हाइट है ये एज़ पर द ड्राइंग्स हमें हाइट लेना है। ओके, इस तरह से स्पेसिंग चेक करके सभी तरफ हम स्टील बांधते जाएंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ कि क्या क्या चेकिंग होती है इसमें। जब शटरिंग की बात आती है तो शटरिंग में हमें अलाइनमेंट चेक करना पड़ता है कि एक अलाइनमेंट में लाइन डोरी में आ रही हैं सभी चीज़ें या नहीं आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद में जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ग्रिड लाइन बांधेंगे, ग्रिड लाइन बांध के एज़ पर द ग्रिड डिस्टेंसेज बराबर हैं या नहीं चेक करेंगे, और ग्रिड लाइन से अपने जो कॉलम्स हैं कॉलम्स सही प्लेस में बैठे हैं या नहीं चेक करेंगे। ओके, और शटरिंग पे पूरी तरह से सपोर्ट सही तरह से लगे हुए हैं या नहीं आपको देखना पड़ेगा। अभी हमारा जो है काम कंप्लीट हुआ नहीं है, तो बाहर से हमने अभी तक सपोर्ट लगाया नहीं है, तो सपोर्ट्स भी हमें चेक करना पड़ेगा। जब स्टील की बात आती है तो हमें स्टील में मेन, जब फुटिंग की बात करेंगे तो मेन रेन्फोर्समेंट कितने डया का बार दिया हुआ है, स्पेसिंग कितना दिया हुआ है वो चेक करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा बार दिया है वो चेक करना है, और लैपिंग जहाँ पे आ रही है अल्टरनेट लैपिंग प्रोवाइड की हुई है या नहीं वो देखना पड़ेगा, चेयर्स सही जगह पे प्लेस किए हुए हैं या नहीं, चेयर्स का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कवर ब्लॉक सही से प्लेस हुआ या नहीं चेक करना होगा। ओके, और जब कॉलम चेक करेंगे हम लोग, कॉलम में देखेंगे कि ग्रिड लाइन से कॉलम्स अपने सही बराबर तरीके से बैठ गए या नहीं, क्योंकि क्या होता है अगर कॉलम फुटिंग में ही डिस्प्लेस हो गया तो ऊपर जाके बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखने आता है, तो हमें उसको अवॉइड करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड लाइन बांधेंगे, ग्रिड लाइन से कॉलम्स का डिस्टेंस चेक करेंगे। ओके, और कॉलम में जब रेनफोर्समेंट चेक करेंगे तो उसमें एल चेक करेंगे, बॉटम में मिनिमम 30 मिली का एल दिया हुआ यानी मेन रेनफोर्समेंट में जो कॉलम मेन रेनफोर्समेंट है कितने डे ऑफ बार्स दिया है, कितने नंबर ऑफ बार्स है वो चेक करेंगे। बाद में से स्टीरअप्स जो हैं, जो स्टील दिया हुआ है कितने लेग्ड है वो चेक करेंगे, फिर ऊपर में मास्टर रिंग्स है या नहीं वो चेक करेंगे। ओके, तो अभी के लिए यही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, और डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड और लोगों से शेयर कीजिए।